नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है और जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन हो गया है। दोस्तों, मंगलवार को उनका निधन धीरू भाई कोकिला बेन मुंबई के एक निजी अस्पताल में 75 साल की उम्र में उन्होंने इस अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, उनकी मौत के बाद जो सहारा के निवेशक हैं, जिन लोगों का सहारा में पैसा जमा है, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उनके पैसों का अब क्या होगा। सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, सहारा में जिन लोगों का पैसा रिफंड हो रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा, या इस तरह के तमाम तरह के सवाल उनके दिमाग में उठ रहे हैं। इसमें हमारे बहुत से दिव्यांग भाई बहनों ने भी अपना पैसा जमा किया रहा होगा सहारा में, तो उन लोगों के लिए और उन लोगों की चिंताएं जो हैं और उनकी तमाम समस्याओं का इस समय हल लेके मैं इस वीडियो में आ गया हूं। आपको इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि जिन लोगों का सहारा में पैसा जमा है, सुब्रत राय की मृत्यु के बाद अब उनका क्या होगा, इसी से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें, इसमें आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, केंद्र सरकार की ओर से सहारा से रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इसके जरिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों को उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया पर सहारा श्री की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा। सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय की मौत के बाद निवेशकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों को उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया पर सहारा श्री की मौत के बाद कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा के चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 100 करोड़ रुपए लौटा दिए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों ये समाचार पत्रों और जो टीवी समाचार हैं उसमें भी ये बताया जा रहा है कि सुब्रत राय जी की मौत के बाद से जो सहारा में फंसे पैसे हैं और जो सहारा के निवेशक हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सरकार ने जैसा कि 29 मार्च को जो पोर्टल लॉन्च किया था सहारा से रिफंड पैसा, जो सहारा में फंसा पैसा रिफंड करने का, उस पोर्टल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार की जो प्रक्रिया है सहारा में फंसे पैसे को रिफंड करने की, वो जारी रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जिन लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी कि क्या सरकार इस पोर्टल को अब बंद कर देगी या जो भी उनके पैसे सहारा में जमा हैं उनके पैसों का अब क्या होगा, तो उन तमाम लोगों के लिए ये जानकारी आज की थी। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी मैं उनके तक पहुंचा दूं। दोस्तों, सहारा श्री भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायिक थे और जो देश विदेश और जो भारत के प्रमुख व्यक्ति थे उनकी नेताओं में, फिल्मी इंडस्ट्रीज में, खिलाड़ियों में उनकी बहुत अच्छी पैठ थी और बहुत दिन तक वो भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर भी रहे थे। तो दोस्तों, उनकी मौत से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं उनको अपने इस चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और एक बहुत ही कुशल व्यवसायिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनकी गरीबों और जो समाज के कमज़ोर वर्ग थे उनके प्रति उनकी जो संवेदना थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो मैं एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से उन लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि उनकी मौत या उनकी मृत्यु के बाद अब क्या होगा, तो मुझे उम्मीद है कि उनको अब जानकारी मिल गई होगी और वो आश्वस्त हो गए होंगे। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।